पंजाब में अमन शांति कायम है। अगर कोई गैंगस्टर गैंगस्टर को या कोई चोर चोर को मारता है तो इससे आम आदमी को क्या फर्क पड़ता है, यह कहना है पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र बाजवा का, जो गुरदासपुर में हिंद पाक बॉर्डर के नजदीक बसते और पिछड़े इलाके के लोगों को सहूलत देने के मकसद से पंजाब रोडवेज की तरफ से कस्बे से सीधी 3 बसें 3 अलग अलग धार्मिक स्थानों के लिए शुरू की गई। बसों को आज हरी झंडी देने अपने हल्के फतेहगढ़ चूड़िया में पहुंचे इन बसों के चलने का फायदा आसपास के कई गांवों के लोगों को मिलेगा। मैं जब अपनी इलेक्शन के दौरान मेरे पर्सनल अपना मैनीफेस्टो सी भी इतों बसा माता वैष्णो देवी नू माता चिंतपुर्णी नू ते आनंदपुर साहब नू तोरनिया। सो मैं अपना जो मैं वादा किया सी मैं पूरा करदिया होया बसा लियांदियां ने बसा चलनगियां। जे कोई होर शहर वासी किसी होर पासे दी मंगणगे तो वह भी चलावा। कोई गैंगस्टर दूजे गैंगस्टर नू मारी जा रहा कामन मैन नू की है, जे एक चोर दूजे चोर नू मारी जा रहा तो सानू तुहानू की गुस्सा है। कानून व्यवस्था कोई नहीं बिगड़ रही, काम खत्म हो रहा है, जिहड़ा सरकार ने खत्म करना सी वापस खत्म करी जा रहे, जिहड़े रह जाणगे सरकार फड़ लेगी। किसी नू मारन की नीति किसी नू रगड़ा देने की नीति मेरा बहुता मन नहीं। जे कोई मजबूर ना करे तो जे कोई मजबूर करे तो फिर कोई कसर भी नहीं छड्डांगा। बड़े सीधी जी गल है। भोपाल सिंह की रिपोर्ट नेशनल बस के लिए।